बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो के बारे में और किस तरीके से हमने पहला प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा और सीआउट की स्टेटमेंट किस तरीके से यूज़ हो रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स आखिर हैं क्या चीज़। डेटा टाइप्स, अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा आपकी रियल लाइफ में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लाइक टेक्स्ट, इंटीजर्स, फ्लोटिंग नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। इस फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो डेटा की जो टाइप्स हैं ये इन वेरियस फॉर्म को देखते हुए बनाई गई हैं। इन प्रोग्रामिंग आवर गोल इज हाउ टू टैकल अ डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा को स्टोर कैसे करना है, किस तरीके से इसको टैकल करना है। प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। एक्चुअली किसी भी सॉफ्टवेयर में जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है वो उसका डेटा होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर में डेटा अवेलेबल नहीं है, उस डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, तो वो सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजलेस है। अब डेटा मैंने कहा किस तरह का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, डेटा आपका इंटीजर्स फॉर्म में हो सकता है, डेटा आपका फ्लोटिंग नंबर्स में हो सकता है, डेटा आपका करेक्टर में हो सकता है, ईटीसी। इन सी प्लस प्लस देर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर हैंडलिंग डिफरेंट डेटा, यानी डिफरेंट टेक्स्ट को टैकल करने के लिए डिफरेंट होगा, इंटीजर को टैकल करने के लिए डिफरेंट होगा, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर्स को टैकल करने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे। सम ऑफ द डेटा टाइप आर गिवन ऑन, कुछ डेटा टाइप्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके से अगर मैंने नंबर नेगेटिव एंड पॉजिटिव को स्टोर करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटीजर्स। अब सी प्लस प्लस में इंटीजर्स आपके पास शॉर्ट से भी रिप्रेजेंट होते हैं, इंट से भी रिप्रेजेंट होते हैं और लॉन्ग से भी। मेजर डिफरेंस क्या है इनमें, मेमोरी साइज का डिफरेंस है, ठीक है। नंबर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो आप अनसाइंड इंट लिखें, अनसाइंड शॉर्ट लिखें, अनसाइंड लॉन्ग, यानी अनसाइंड का कीवर्ड अगर आप पहले लिखेंगे तो इसका मतलब है वो नेगेटिव नंबर नहीं स्टोर करेगा, वो सिर्फ क्या स्टोर करेगा, पॉजिटिव। नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, यानी जो फ्लोटिंग नंबर होते हैं हमारे पास, उनको स्टोर करने के लिए फ्लोट, या मेरे पास डबल टाइप है, इसमें भी अगर आप अनसाइंड स्टोर करने होंगे तो उसी तरीके से करेंगे। कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए आप चार लिखेंगे और कैरेक्टर में आपके पास क्या है, ABF12@। टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप रिक्वायर होगी। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हमारे पास यूज होंगी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। यानी अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो मैं शॉर्ट, इंट या लॉन्ग का इस्तेमाल करूंगा, और अगर मुझे बूलियन, एक और डेटा टाइप जो मैं मिस कर गया यहाँ पे स्लाइड के अंदर, वो थी बूलियन, ट्रू या फॉल्स। यानी अगर आपके पास रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के केस में है तो फिर भी आपके पास जो डेटा टाइप इस्तेमाल होगी वो आपके पास होगी बूल, ठीक है। यानी ये सिर्फ दो वैल्यूज होल्ड कर सकती है, ट्रू या फॉल्स, यानी जिसे मैं कहता हूँ 1 या 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी मैं ये जिस तरह मैंने कहा कि ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है तो बूल डेटा टाइप है, टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करना है तो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में आप देखें ए भी कैरेक्टर है, बी भी, यानी एक सिंगल जो आपके पास सिंबल नज़र आ रहा होगा उसको एक करेक्टर कहते हैं, जिस तरह 1 नज़र आ रहा है, 2 है, @ एंड सो ऑन। अब आइडेंटिफायर्स जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप की वजह से हम आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर में हम डेटा स्टोर करते हैं, की मदद से हम डेटा स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं, एंड मॉडिफाइंग अ डेटा वी नीड अ मेमोरी ब्लॉक। यानी आइडेंटिफायर जो है वो आपके पास डेटा स्टोर करता है, एक्सेस करता है की मदद से। यानी हमने अगर डाटा को स्टोर करना है, एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है तो मेमोरी ब्लॉक तो चाहिए, तो किसकी मदद से मिलेगा, आइडेंटिफायर की मदद से मिलेगा। हम देखते हैं कैसे। स्पेसिफिक साइज, हर मेमोरी ब्लॉक का एक स्पेसिफिक साइज होता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप। प्रोग्रामर जो है वो रिक्वेस्ट करता है मेमोरी की रिक्वेस्ट करता है। किससे रिक्वेस्ट करता है, ऑब्वियस बात, एक स्टेटमेंट लिखेगा, कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम मिला के आपको एक मेमोरी क्रिएट करके दे रहे होंगे। सिंटैक्स फॉर आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन इज फॉलोइंग। सबसे पहले आप डेटा टाइप मेंशन करते हैं, यहाँ पे आपके पास जिस तरह मैंने इंट लिखा, यहाँ पे शॉर्ट, लॉन्ग, बूल, डबल, डिपेंडिंग ऑन द डेटा टू बी स्टोर्ड। नंबर, नंबर क्या, नेम ऑफ आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये आपके पास जो नेम ऑफ आइडेंटिफायर है, या तो ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, कॉन्स्टेंट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगी, यानी आपके पास नो स्पेस, इस वेरिएबल के नाम के दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कैन नॉट हैव अ स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसमें नहीं हो सकते। डिजिट्स हो सकते हैं पर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, और एंड पे सेमी कॉलन लगाना है जो कि टर्मिनेटर के तौर पे ट्रीट किया जा रहा होगा कि यह इस प्रोग्राम का, यानी आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब अगर मेरे पास स्टेटमेंट है एंड नंबर, तो इसके अगेंस्ट मेरे पास
एक मेमोरी क्रिएट हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि इंट डाटा टाइप है, नंबर क्या है, एक आइडेंटिफायर है। अब बैक एंड पे क्या होगा, एक मेमोरी मिलेगी मुझे। इस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा, लेट से मैं कहता हूँ इसका एड्रेस A12 है। मुझे इस एड्रेस के बारे में बॉदर नहीं करना, इसका नाम क्या है, नंबर, क्योंकि ये अभी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज हमने क्या कहा था कि हम मजीद लो लेवल की चीज़ों को देखेंगे, अपर लेवल में रहेंगे। नंबर यानी इसका नाम, इस मेमोरी का नाम कंपाइलर क्या रख देगा, नंबर। अब इस मेमोरी को जब भी मैंने एक्सेस करना है, मैं किस नाम से एक्सेस करूंगा, नंबर के नाम से एक्सेस करूंगा। कुछ इस तरीके से, अगर एड्रेस है A12345 6H, तो इसका नाम क्या बन गया, नंबर। दिस मेमोरी ब्लॉक हैज एड्रेस A12345H। इन आवर प्रोग्राम वी कैन एक्सेस दिस ब्लॉक विद इट्स नेम, दैट इज नंबर। एवरी टाइम अ प्रोग्राम इज रन, यानी जब भी प्रोग्राम रन होगा, ये जो एड्रेस है ये चेंज होगा, पर नाम आपका फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरी दफा मैं कहता हूँ, तो ये एड्रेस बन जाएगा P12। तो इसका जो नाम है, वो नाम आपके पास सेम रहेगा, जिसको हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा, नाम क्या है, नंबर है। इसी तरीके से नंबर A9, अब ये क्या करेगा, इक्वल टू आपके पास क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उस मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की 9, अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट नंबर, तो नंबर में क्या पड़ा होगा, प्रीवियसली देखा 9 था, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 9 वैल्यूज। इन एज इन अबव स्टेटमेंट 9 वॉज असाइन टू नंबर, सो द वैल्यू विल बी 9। इसी तरीके से अगर नंबर 14 करूंगा, तो पहले क्या था, 9, क्या ये दोनों ये स्टोर करेगा, नहीं, पहले 9 को खत्म करेगा, 9 की जगह किसको रिप्लेस कर देगा, 14। यानी एक वक्त में एक मेमोरी में एक वैल्यू पड़ी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। अगर मैं लिखता हूँ नंबर इक्वल टू 66.5, अगर आपको याद हो तो नंबर की डेटा टाइप क्या थी, इंट। 6.5 क्या है, फ्लोट। क्या ये स्टोर करेगा, बिल्कुल स्टोर करेगा। अब इसको कहते हैं हम कास्टिंग, यानी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने से क्या मिलेगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो 6 प्लस 0.5, तो 0.5 वाला हिस्सा इग्नोर करेगा और उसमें क्या स्टोर करेगा, 6 करेगा। कुछ यूं 14 खत्म, 14 के रिप्लेस हो 6 से। इंट नंबर 1 एक दूसरी मेमोरी बनेगी, एक और मेमोरी बनेगी जिसका नाम नंबर 1 होगा, और उसमें मैम उसका कुछ एड्रेस होगा, और उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी क्या पड़ी होगी, 8। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोट नम 1 और नम 2 डिक्लेयर करूंगा, तो दो मेरे पास मेमोरीज होंगी, एक जिनकी मेमोरी एड्रेसेज होंगे B12345H और C12345 6H, नम 1 और नम 2 इनके नाम होंगे। अब अगर मैं लिखता हूँ नम 1 इक्वल टू 9, नम 2 इक्वल टू दिस, अब नम 1 में 9 बिल्कुल स्टोर हो जाएगा, नम 2 में भी 9 स्टोर, 9.0 और 0.2। नंबर 1 को अगर मैं असाइन करता हूँ नंबर 2, नंबर को, नंबर की डाटा टाइप क्या थी स्टूडेंट्स, 8, नम की डाटा टाइप क्या थी, 2, नम 2 में क्या पड़ा था, 0.2। अब 0.2 इसका मतलब मैं 0.2 असाइन कर रहा हूँ किसको, नम 2 को। अब 0.2 अगर मैं असाइन करूंगा, तो क्या क्या वो स्टोर करेगा, 0 प्लस 0.2, तो 0.2 आपके पास नहीं होगा, उसमें क्या होगा, 0 स्टोर होगा। चार डेटा टाइप। अब करेक्टर डेटा टाइप आपके पास, मैं कोई करेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ सी एच इक्वल्स टू ए या बी, या दिस सिंगल कोटेशंस के अंदर मैं करेक्टर स्टोर करूंगा, और उसके साथ वो उस करेक्टर की आस्की वैल्यू भी स्टोर करेगा। अब आस्की वैल्यू में सिंपल बता रहा हूँ, एक इंटीजर वैल्यू होती है जो हर करेक्टर के अगेंस्ट कोई ना कोई, जिस तरह ए के अगेंस्ट 65 है, तो ये ए के अगेंस्ट 65 को स्टोर करेगा कुछ इस तरीके से। आस्की टेबल अगर मैं देखूँ, 0 के लिए 48 है, 1 के लिए 49 है, 2 के लिए 50 है, 3, सो ए टू जी के क्या है, 65 एंड 90, एक स्मॉल ए से लेकर 97 तक है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन में ए स्टोर कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये करेक्टर है, और ये क्या है, इसकी आस्की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैं 66 स्टोर करूँगा, तो क्या मैं किसी करेक्टर को इंटीजर असाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल करेक्टर को इंटीजर असाइन हो सकता है, पर वो उसकी आस्की वैल्यू ट्रीट होगी। कैपिटल ए की आस्की वैल्यू क्या थी, 65, तो कैपिटल बी की क्या होगी, कैपिटल बी की होगी 66, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अगर मैं किसी नंबर को असाइन करूंगा, अब नंबर सी एच में 66 पड़ा हुआ था, तो नंबर में उसकी आस्की वैल्यू असाइन हो जाएगी करेक्टर की 66। मतलब हमारे पास जो मेमोरी थी सी एच में मेरे पास क्या स्टोर करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, कैपिटल बी, कैपिटल बी के साथ उसकी क्या वैल्यू पड़ी थी, 66। अगर किसी कोई करेक्टर किसी नंबर को असाइन होगा, उसको क्या स्टोर करेगा, उसकी आस्की वैल्यू इस तरीके से। अब अगर मैं किसी नंबर को करेक्टर असाइन करूंगा, तो सिंगल कोटेशन में ए का क्या मतलब है, 97। तो यानी अभी तक जो मैंने चीज़ें सीखी वो क्या थी, डेटा टाइप्स क्या होते हैं,
आइडेंटिफायर्स क्या है, किस तरीके से बनाने हैं, और मेमोरी ब्लॉक्स। और जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए वो ये देखिए कि अगर मैं इंट को फ्लोट असाइन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं करेक्टर को इंट असाइन कर रहा हूँ तो वो उसकी आस्की वैल्यू ट्रीट करके करेक्टर सेव कर रहा है, अगर मैं इंट को करेक्टर असाइन कर रहा हूँ तो उसकी आस्की वैल्यू सेव कर रहा है, अगर मैं इंट को सॉरी अगर मैं फ्लोट को इंट असाइन कर रहा हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि डाटा किस तरह बन रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक मेमोरी ब्लॉक में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती।